ये है आपकी मर्सिडीज ई क्लास 213। देखिए ये और गाड़ियों से सबसे बिल्कुल इसका अलग मेनू दे रखा है। इसकी हम सर्विस लाइट किस तरह से रिसेट करते हैं मैनुअली, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए इसका पूरा मेनू बिल्कुल अलग है, फॉर्मल सभी गाड़ियों से सबसे अलग मेनू है इसका। ओके, हमने क्या करना है, सबसे पहले इग्निशन को सिंगल टाइम ऑन करना है। सिंगल टाइम ऑन हो जाएगा, हमने क्या करना है, सबसे पहले होम बटन दबाना है। अब होम बटन को होल्ड कर देना है, फिर इसको होल्ड करने के बाद में फिर ओके बटन को होल्ड करना है। ओके बटन को होल्ड करने के बाद फिर होम बटन को होल्ड करना है। इसके बाद में हमने एकदम से इसको छोड़ देना है, ये मेनू खुल जाएगा। तो इसको स्लाइड करके साइड में लेकर जाएंगे, ये हमारा वर्कशॉप मेनू खुल जाएगा। ओके करेंगे, इस पे हमने जाना है। प्लस पर स्विच इग्निशन ऑन, यहाँ से हमने इग्निशन ऑन कर देना है। बैक करेंगे तो ये देखिए सर्विस हमारी ओवरड्यू चल रही है। सर्विस डाटा एंड फुल सर्विस, हमें क्या करना है, फुल सर्विस पे क्लिक करना है। सबसे नीचे जाएंगे, कंफर्म फुल सर्विस, ऑयल की ग्रेड आ जाती है, हमने पकड़नी है इसमें ऑयल ग्रेड 229.52। ग्रेड को हम कंफर्म करेंगे, यस कर देंगे इसको कंफर्म, फुल सर्विस कंप्लीट। ये आपकी सर्विस रिमाइंडर रिसेट हो चुका है। हमने एक बार इग्निशन ऑफ करना है, इग्निशन ऑन करेंगे, बैक करते हैं, होम बटन दबाते हैं, इसके सर्विस पे जाना है। अब हमें एसएस प्लस पर जाएंगे, देखिए सर्विस 15,000 किलोमीटर, सर्विस लाइट रिसेट हो चुकी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।